किसी देश में एक राजा थे जिनकी 7 रानियां थीं, लेकिन राजा की 7ों रानियों में से किसी का भी कोई संतान नहीं था। इसे कई साल बीत जाने के बाद सबसे छोटी रानी को संतान होने को रहा। पूरे राज में खुशी से मिठाई बांटी गई और राजा ने सबसे रानी को देखभाल के लिए कई नौकरानियों को लगा दिया और छोटी रानी को एक घंटी दी और कहा, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब इसे बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। एक दिन रानी ने सोचा कि देखते हैं राजा आते हैं कि नहीं। रानी ने वह घंटी बजा दी। राजा राजपाट का कार्य छोड़कर चले आए। रानी से पूछे कि क्या बात है। तब रानी ने कहा, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप आते हैं कि नहीं। राजा बोले, ध्यान रखना, आगे से कोई ज़रूरी हो तभी बजाना। ये बात उन 6 रानियों को पता चल गया। 6 रानियां ये पारापारी घंटी बजाने लगी। राजा दौड़ दौड़ कर आए और पूछा कि क्या बात है। तब रानी अभी बोलने वाली थी कि 6 रानी ने कहा कि ये घंटी रानी ने ही बजाया है। राजा गुस्से से रानी से बोले, अब कभी ज़रूरत भी होगी तो भी नहीं आऊँगा। जब रानी को दर्द होने लगा तब रानी ने खूब घंटी बजाई, लेकिन राजा नहीं आए। रानी ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया और वहीं बेहोश हो गई। तभी 6 रानियों ने उन दोनों बच्चों को ले जाकर राज दरबार से दूर उन बच्चों को ज़मीन में गाड़ दिया और रानी के पास ईंट और पत्थर रख दिया। सुबह पूरे राज में घोषणा करा दी कि छोटी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। तब राजा ने रानी को राज का कौआ हकनी बना दिया और उनको एक लग्गी दे दी और कहा, राज में एक भी कौआ नज़र नहीं आना चाहिए। रानी दिन भर कौआ हाँकती और थक हार कर सो जाती। ऐसे कल साल बीत जाने के बाद जब रानी के बच्चों को दफनाया गया होता था, वहाँ पे पुत्र की जगह आम का पेड़ और पुत्री की जगह चमेली का फूल उग गया था। यह फूल इतने खुशबूदार थे कि पूरे क्षेत्र के वातावरण को ही बदल दिए थे। हर कोई उस फूल को तोड़ना चाहता था, लेकिन जब तोड़ने का प्रयास करता तो फूल आसमान में चला जाता। हर कोई उस फूल को पाने में असफल रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक कौवा एक फूल ले जाकर दरबार में गिरा देता है, जिससे पूरा राज दरबार फूल की खुशबू से महक उठता है। राजा को वह फूल काफ़ी पसंद आया और वह ऐलान करते हैं कि जो कोई भी उसके इस फूल का जोड़ा ला के देगा उसको वह अपना राजपाट दे देंगे। राजा के तमाम सैनिक, दरबारी, सलाहकार सभी फूल तोड़ने का प्रयास कर निराश होकर लौट आते हैं, परंतु ये बात 7वीं रानी को पता चलती है तो राजा के पास आके कहती हैं, मैं फूल ले आऊँगी। जिस पर पूरे राज दरबार हंस पड़ता है कि ये कौवा हकनी फूल लेके आएगी, लेकिन रानी जाती है और फूल की तलाश में वह वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ उनके बच्चों को दफनाया गया था। रानी अपनी बच्चों के करीब पहुँचती हैं तो बहन चमेली अपने भाई आम से कहती है कि माँ आई है, मैं क्या करूं। तब उनका भाई आज्ञा देते हैं कि तुम ज़मीन पे तने सहित फैल जाओ और माँ अपने आँचल में फूल तोड़कर राज दरबार में ले जाती हैं। रानी के पास इतना सारा फूल देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तब राजा को लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई राज छुपा हुआ है, जिसके बाद राजा वहां स्वयं जाते हैं और उस स्थान को खुदवाते हैं, जिसके बाद ज़मीन से 12 साल के 2 सुंदर भाई बहन निकलते हैं और राजा को प्रणाम करके अपनी आप बीती सुनाते हैं। तब राजा ये जानने के लिए कि ये बच्चे सही बोल रहे हैं कि गलत, राजा इसके बाद
यह दावा करते हैं कि ये पागल कौआ हकनी माँ के स्तन पर बड़े बड़े तवा रखे जाएं, इन तवों को अगर छेद कर बच्चों के मुंह में दूध चला जाएगा तो उनकी बात सच मानी जाएगी। और होता भी वही है, बड़े बड़े तवा को छेद कर बच्चों के मुंह में माँ का दूध जाता है। उसके बाद से राजा को यकीन हो जाता है कि यही इस बच्चों की असली माँ है। और वो अपने जल्लाद को बुलाते हैं और अपनी 6 रानियों को सजा सुनाते हैं कि इन्हें ले जाके गड्ढा खुदवा के उसमें डलवा दिया जाए। इस तरह से बुराई का अंत होता है। कहाँ माँ तो माँ ही होती है, सच ही कहा गया है। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी कहानी।